हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। आज है 2 फरवरी और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना ये लेसन जो कि होगा हमारा डेली इकोनॉमिक्स 20 का दम। और यहाँ हम लोग 20 बहुत अच्छे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा कि आपको पता है गेट एग्जाम मैकेनिकल वालों का ऑलमोस्ट आज फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग लेक्चर्स को देखना शुरू कर दें। थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं आप 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद से आपको सीरियस होना पड़ेगा आरआरबी जेई 2019 के लिए। और हम लोग अपना टेक्निकल शुरू करने वाले हैं 10 फरवरी 2019 से, और वो होगा हमारे प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ। ऑलराइट, और ये हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी थियोरिटिकल पोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे अपने आरएस खुरमी और आरके जैन में से। और ये लेसन हमारा थर्ड है इकोनॉमिक्स का। इसकी स्लाइड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन भी कर लीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी पीडीएफ्स होते हैं, हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देते हैं, तो वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लिया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के साथ, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 इकोनॉमिक्स के अच्छे प्रॉब्लम्स एक सेट में, और फिर 10 करेंगे दूसरे सेट में। ठीक है, तो आइए सेट वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? तो 1969 में कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था? तो यहां पर सही ऑप्शन है 14 बैंक्स का। ठीक है, सबसे सही ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी, दैट इज 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजेस बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देखिए, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, औध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा औध कमर्शियल बैंक। तो यहां पर भी ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई किससे मेजर होती है? ऑप्शन ए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ऑप्शन बी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स, सी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ऑप्शन डी नेशनल इनकम डिफ्लेशन। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से हम लोग अपना इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन हो गया मेरा ए। नेक्स्ट देखिए, द एनुअल यील्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस इज द हाईएस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए कस्टम ड्यूटीज, दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, तीसरा है इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, चौथा है एक्साइज ड्यूटीज। तो यहां पर सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटीज से जो हमारा टैक्स होता है वो एनुअल यील्ड में सबसे ज्यादा होता है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। यहां से सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स ग्रॉस फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज करेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज ऑफ। ठीक है, यहां पर ऑप्शन देखिए, 15 से 20%, 20 से 25%, 25 to 30%, 30 to 35%। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, 20 to 25%, सही ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, सब्सिडीज मीन, सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? पेमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट मेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पेमेंट मेड बाय कंपनीज टू शेयर होल्डर्स, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज। तो यहां से ऑप्शन सही हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, नेशनल नेशनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा ऑल ऑफ दी अबव। तो 7 की बात करें तो हमारा कंजम्पशन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है। तो यहां पर सही हो गया ऑल ऑफ दी अबव। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन देखिए, रेजर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स वर इश्यूड इन यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड। तो किसमें किसमें हुए थे? ऑप्शन है जापानीज येन, ड्यूश मार्क, यूरो, फ्रेंच फ्रैंक। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज बी, ड्यूश मार्क। ठीक है, तो यूएस डॉलर में हुआ था, पाउंड स्टर्लिंग में हुआ था और ड्यूश मार्क में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, द एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स इज, तो ऑप्शन देखें यहां पर, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए नाबार्ड का यहां से आपको फुल फॉर्म मिल गया, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो यहां से जो सही ऑप्शन है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए पहले सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। पहला देखिए, कंटेनर एक्सपो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो यहां पर जो हमारी एक नॉट एक अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वो है इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा सी। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट सेट यहीं पर फिनिश होता है और यहां बहुत अच्छे हम लोगों ने एमसीक्यूज को कवर किया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेट टू को। सेट टू में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज गियर्ड टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करती है, लैंड रिफॉर्म्स, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज या ऑल ऑफ द अबव। तो एक्चुअली ये लैंड रिफॉर्म्स भी इंक्लूड करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज भी करती है, रूरल डेवलपमेंट भी करती है। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द बजट डेफिसिट मीन्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑफिशियल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिसीप्ट एंड द एक्सपेंडिचर, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स, नेट ऑफ लेंडिंग ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑल द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं हम लोग बजट डेफिसिट को, कमी जो बजट में कमी आती है इसे कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज, कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था सेकेंड फेज में। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा सिक्स, छह बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था सेकेंड फेज में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन का क्या अर्थ है, क्लोजर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, क्लोजर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो यहां से जो सही ऑप्शन है दैट इज लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। तो वियर एंड टियर मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट्स जब हमारे वर्क करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉसेज होता है और घिसा मतलब पार्ट्स आपस में वेयर आउट करने लग जाते हैं। तो यहां से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इफ, पहला ऑप्शन देखते हैं यहां पर, ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई इन द रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेब्ट पेमेंट ओनली या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से एक्चुअली सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, डी हमारा सही आंसर हो गया। सिक्स देखिए, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन द ईयर, तो डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज में इंडिया ने कब टर्न किया था, तो पहला ऑप्शन देखिए अप्रैल 1957, एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, बी अप्रैल 1960, सी अप्रैल 1965 या डी अप्रैल 1972। तो यहां पर सिक्स का जो सही ऑप्शन है दैट इज ए अप्रैल 1957, ए हो जाएगा यहां पर सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज, तो नेशनल इनकम जो इंडिया का इसका मेन सोर्स है क्या क्या है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड नन ऑफ द अबव। एक्चुअली हमारा इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम है, तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखिए, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो ऑप्शन है ऑटोनॉमस बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडवाइजरी बॉडी या फिर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सही ऑप्शन क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, दिस इज एन एडवाइजरी बॉडी दैट इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट दो क्वेश्चंस देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू, इकोनॉमिक प्लानिंग का अर्थ क्या है, पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा प्लानिंग ऑफ द मैन पावर, तीसरा मोबिलाइजेशन ऑफ बोथ टैक्सेस एंड मैन पावर, फोर्थ द मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज को एलोकेट करना।
ठीक है, यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से क्या एक डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन देखिए, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है। तो सही ऑप्शन है सी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला आज का लेसन यहीं पर फिनिश होता है, और आई होप कि आप हमारे लेसन्स को अब डेली फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेक्चर्स डेली बेसिस पर हम लोग लाते हैं ताकि सिलेबस हमारा लैग ना हो, कोई भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं है। बाई चांस अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके या ईमेल से भी बता सकते हैं कि सर दिस टॉपिक इज लेफ्ट, तो आप ये वाला कवर करा दीजिए। थ्योरी फिजिक्स की हम लोगों ने पूरी कवर कर ली है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स उसके हम लोग लाएंगे अब बहुत जल्दी, लेक्चर्स आने वाले, बायोलॉजी के भी लेक्चर्स आएंगे साइमल्टेनियसली, और हमारा टेक्निकल भी चलेगा। तो अगर आपको हमारा वर्क वाकई पसंद आ रहा है और आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप डोनेशन भेज सकते हैं, अपना मॉनिटरी हेल्प जो भी आप हेल्प देना चाहें, इवन एक रुपये का भी हेल्प एक बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, तो अगर एक रुपये भी सब दे देते हैं तो दैट विल बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट सीरीज का अरेंजमेंट किया जा रहा है सारी ब्रांचेस के लिए, CBT 1 CBT 2 के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पर करेंगे, लाइक 20 टेस्ट की कीमत अभी जो हम लोग ने टेंटेटिवली सोची है लाइक 75 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के बीच में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। और अगर आप लोग इसमें हेल्प करते हैं तो ये आपका ही इसमें भला होगा, और जितना हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं वो तो हमारी तरफ से है ही, एंड आई डेफिनेटली होप कि दैट यू विल हेल्प अस आउट। सो इसी के साथ हमारा आज का ये वाला लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।